गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है एडिट एम्प्लॉय फंक्शन। सो लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने इसी फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, बट उस वीडियो में हमने एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ एम्प्लॉय को हमने पॉपुलेट किया था अपने अपडेट एम्प्लॉय फॉर्म पे। सो चलिए ब्राउजर पे चेक करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ लिस्ट एम्प्लॉयज, यहाँ पर वो लिस्टिंग है जो कि हमने क्रिएट किया था। ये वो डायनेमिक डेटा है जो कि हमने डेटाबेस से फेच करके डिस्प्ले किया है। अगर मैं क्लिक करूँ किसी भी एम्प्लॉय के एडिट आइकन पे, फॉर एग्जांपल ये फोर्थ नंबर आईडी, तो जो लास्ट वीडियो सेशन में जो हमने काम किया था वो ये कि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एम्प्लॉय आईडी। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि अगर हमने कोई भी डेटा चेंज करना हो, कोई भी एग्जिस्टिंग वैल्यू अपडेट करना हो, सो चेंज करने के बाद अगर हम क्लिक करें इस सबमिट बटन पे, सो वो सक्सेसफुल तरीके से उस एम्प्लॉय के डेटा को अपडेट कर सके। अभी फिलहाल हमने एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को ओनली रेंडर किया है अपने इस अपडेट एम्प्लॉय फॉर्म पे। सो मैं जाऊँगा एडिटर पे। ये है हमारा edit-employee.php फाइल जहां पर हम अपडेट ऑपरेशंस पे फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करने वाले हैं। सो यहां पर आप देखोगे इसी टेम्पलेट पे हमारा वो फॉर्म है जहां पर अगर हम इन्फॉर्मेशंस को अपडेट करें, अपडेट करने के बाद अगर हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, सो इसी पेज पे उस रिक्वेस्ट को हमें एक्सेस करना है, कैप्चर करना है, और कैप्चर करने के बाद हमें अपने एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेटेड वैल्यूज के साथ अपडेट भी करना है। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा इस फॉर्म टैग पे। इस फॉर्म टैग में जो एक्शन एट्रीब्यूट है वो फिलहाल हमने जावास्क्रिप्ट वॉइड, इसका मतलब हमने कोई भी लिंक नहीं दिया है। सो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लिंक क्रिएट करेंगे। सो इको जो हमने एट एम्प्लॉय के केस में जो हमने लिंक क्रिएट किया था पीएचपी सेल्फ, हम वही करने वाले हैं। सो पीएचपी अंडरस्कोर सेल्फ। सर्वर एक ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पीएचपी का, और ये वो की है जिसके थ्रू हम करंट पेज के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, करंट पेज के पाथ को हम गेट कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने इस पीएचपी सेल्फ को ऐड कर दिया है, अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, सो रिलोड करने के पहले अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, सो देख सकते हैं हमारे इस फॉर्म टैग में एक्शन एट्रीब्यूट अभी नल है, लेकिन अगर मैं जैसे रिलोड करूँगा, हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो php self, सो हम देख सकेंगे ये edit-employee.php ये वही टैम्पलेट है जिस टैम्पलेट पे हम काम कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा जो मेथड टाइप होगा वो होगा पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप जो कि ऑलरेडी एडेड है। यहाँ इस फॉर्म टैग के एक्शन एट्रीब्यूट और मेथड एट्रीब्यूट को चेक करने के बाद हम इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे अपने php फंक्शंस के थ्रू। सो मैं जाऊँगा इसके टॉप हेडर पे अपने हेड टैग के अंदर, और सबसे पहले अगर हमने अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को अपडेट करना हो तो हमें वैलिडेशंस भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने यहाँ पर नेम वैल्यू को ब्लैंक सबमिट किया या ईमेल वैल्यू को ब्लैंक सबमिट किया, सो उस केस में वैलिडेशन की ज़रूरत होगी। जो वैलिडेशन हमने एट एम्प्लॉय में इम्प्लीमेंट किया था उसी तरीके के प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। सो मैं जाऊँगा टैम्पलेट पे। सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले हैं और उन वेरिएबल्स में हम अपने वैलिडेशन मैसेजेस को स्टोर करेंगे। सो नेम अंडरस्कोर एरर, ईमेल अंडरस्कोर एरर, फोन अंडरस्कोर एरर, हम उसी तरीके के वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं जैसा कि हमने काम किया था अपने एड एम्प्लॉय टैम्पलेट के साथ। डेजिग्नेशन अंडरस्कोर एरर इक्वल्स टू एम्प्टी। सो यहाँ पर हमने चार वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जो कि हमारे किसी भी एरर को कैप्चर करेंगे। अगर वो रिक्वायर्ड है तो एम्प्टी वैल्यू न स्टोर हो, इसके लिए हम एरर मैसेज स्टोर करेंगे अपने इन वेरिएबल्स में। सो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, साथ ही साथ इन वेरिएबल्स में हमने एम्प्टी वैल्यू भी इनिशियलाइज किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं अगर हमने फॉर्म सबमिट किया है, इट मीन्स अगर हमने अपडेटेड वैल्यू पुट करने के बाद अगर सबमिट किया है, तो आफ्टर सबमिशन हम जो रिक्वेस्ट कैप्चर करने वाले हैं वो होगा पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। अदरवाइज अगर हमने यहाँ पर सिर्फ पेज को रिलोड किया है वो होता है हमारा गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो हम पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप के कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो इफ ग्लोबल वेरिएबल सर्वर, और हम यहां पर यूज करने वाले हैं रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट एल्स, ये होगा हमारा गेट मेथड
और इस ब्लॉक के अंदर हम तभी एंटर कर पाएंगे जब हमारा रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट होगा। सो यहां पर अगर मैं स्टैटिक मैसेज डालूं, अगर हम चेक करना चाहें विद इन H3 टैग, सो पोस्ट, अगर मैं इसी मैसेज को कॉपी करके अगर मैं यहां पेस्ट कर दूं और मैं चेंज कर दूं समथिंग टू गेट रिक्वेस्ट, इसके बाद जो हमने ये इफेल्स ब्लॉक इंप्लीमेंट किया है, इस इफेल्स ब्लॉक के थ्रू हम एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को गेट करते हैं अपने एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। मैं इसे कट करूंगा और हम इसे पेस्ट करने वाले हैं अपने इस एल्स ब्लॉक के अंदर। मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, अगर मैं रिलोड करूं हम देख सकते हैं हमारे पास गेट रिक्वेस्ट है। सो बाय डिफॉल्ट अगर हमने पेज को रिलोड किया है उसका जो रिक्वेस्ट टाइप होगा वो होगा गेट रिक्वेस्ट। अब चलिए हम फॉर्म में सबमिट करते हैं। फॉर्म सबमिट के दौरान जो रिक्वेस्ट टाइप सबमिट होगा, जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट को कैप्चर करने वाले हैं, वो होगा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। और उस केस में हमारा ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा एंड होपफुली वी विल सी दिस मैसेज। हम सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं हम देख सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो इसी इफ ब्लॉक के अंदर गाइस हम अपने अपडेट क्वेरी को इंप्लीमेंट करेंगे और MySQLi ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने अपडेट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के साथ हम अपने एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट भी करेंगे। सो मेन स्टैटिक मैसेज को सबसे पहले हम रिमूव करने वाले हैं, उसके बाद हम अपने अपडेट क्वेरी को लिखेंगे। सो SQL इक्वल्स टू अपडेट टेबल नेम, सो हमारे केस में जो टेबल नेम है वो है एम्प्लॉयज, मैं टेबल नेम कॉपी करूंगा, पुट करूंगा, सेट कॉलम नेम, नेम इक्वल्स टू अपडेटेड वैल्यू, सो हम यहां पुट करने वाले हैं प्लेस होल्डर, जिसको बाइंड पैरा मेथड यूज करके हम रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है ईमेल, अपडेटेड वैल्यू फोन equals to updated value, designation equals to updated value. अब where, हम यहाँ पर where condition भी add करेंगे क्योंकि हमें जो existing informations को update करना है वो particular किसी specific employee के लिए होनी चाहिए, otherwise global तरीके से ये table के सारे rows को update कर देगी। So यहाँ पर हम use करने वाले हैं where condition, where ID equals to, it means जिस पे employee को हम update करना चाहें, ID equals to, और यहाँ पर होगी हमारी employee ID. So ये है हमारी update query, जो कि एक basic सा MySQL query है. इस MySQL query में जो values हमें pass करने हैं, अभी फिलहाल के लिए हमने placeholder के रूप में हमने question mark use किया है, but इन question mark को हम remove करेंगे using bind param method. सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेमी कॉलन, और हम यहाँ यूज करने वाले हैं STMT, दैट इज स्टेटमेंट इक्वल्स टू MySQLi ऑब्जेक्ट, और हम यूज करेंगे प्रिपेयर मेथड। इसके अंदर हम पास करने वाले हैं अपने SQL क्वेरी के वेरिएबल को। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं बाइंड पैरम मेथड, सो स्टेटमेंट बाइंड पैरम मेथड, और इसमें जो फर्स्ट वैल्यू पास करनी है वो है टाइप, मीन्स किस टाइप के वैल्यू के थ्रू हम अपने प्लेस होल्डर को रिमूव करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो नेम वैल्यू होगा वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, और ये होगी हमारी इंटीजर वैल्यू। सो हम यहाँ यूज करने वाले हैं स्ट्रिंग वैल्यू के लिए कैरेक्टर s 4 टाइम्स, बिकॉज हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, और फाइनली हमारे पास i होगी, इट इज़ फॉर इंटीजर। और जो सेकंड पैरामीटर हमें पास करने हैं वो होंगे हमारे वैल्यूज, सो नेम वैल्यू स्टोर करने वाले हैं हम अपने इस नेम वेरिएबल में, ईमेल वेरिएबल में, फोन वेरिएबल एंड डेजिग्नेशन। और जो फाइनली हमें चाहिए वो होगी हमारे एम्प्लॉय आईडी, जिसके बेसिस पे हम अपने एम्प्लॉय को अपडेट करने वाले हैं, उसको हमने स्टोर किया है अपने इस एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी वेरिएबल में, हम इसे पुट करने वाले हैं। साथ ही साथ अब हम यूज करने वाले हैं एग्जीक्यूट मैथड, सो इफ स्टेटमेंट, और हम यूज करने वाले हैं एग्जीक्यूट मैथड। हम क्रिएट करने वाले हैं इफेल्स ब्लॉक, इफ ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा हमारे सक्सेस मैसेज को, ताकि हमने प्रॉपर तरीके से सही तरीके से हमने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अपडेट कर दिया है। सो सक्सेस ब्लॉक,
और ये होगा हमारा फेल्ड ब्लॉक। सक्सेस ब्लॉक के केस में हम रीडायरेक्ट होना चाहते हैं अपने अगर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आफ्टर अपडेट हमें कौन से पेज पर रीडायरेक्ट होना है। अगर हम लिस्ट पेज पे जाना चाहें हम हेडर के अंदर वो पास करेंगे, अदरवाइज अगर हमें इसी पेज पे रहना है तो हमें पास करना होगा अपने एडिट एम्प्लॉय टेम्पलेट के पाथ को। सो हम चाहते हैं आफ्टर अपडेशन हम इसी पेज पे रहें, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं PHP के हेडर फंक्शन को और हम यूज़ करेंगे लोकेशन कीवर्ड। उसके बाद हमें पास करना है अपने रीडायरेक्शन पाथ और वो होगा editEmployee.php क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर हम रीडायरेक्ट होना चाहते हैं अपने अपडेट एम्प्लॉय पेज पे तो हमें पास करना होगा क्वेश्चन मार्क क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल imp id = 1। सो हम इस क्वेरी स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पर चाहिए हमें employee id। सो यहाँ पर डायनेमिक तरीके से employee id को गेट करने के लिए ये रहा हमारा वेरिएबल, हम इसे कॉपी करेंगे और पुट करेंगे। अगर इन केस हमारे पास कोई भी एरर आते हैं सो इस else ब्लॉक में हम रिडायरेक्ट होना चाहते हैं अपने error.php फाइल जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में क्रिएट किया था। मैं इस एरर को कॉपी करूँगा और अपने इस else ब्लॉक में पेस्ट करूँगा। सो ये है गाइस प्रॉपर तरीके से अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने का। साथ ही साथ हमारे इस इफ ब्लॉक में हमें कुछ और स्टेप्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो वैलिडेशन पर्पस से इन वेरिएबल्स को जो हमने क्रिएट किया है सो अब हमें वैलिडेशंस को हैंडल करना है। सो हम कैसे करेंगे, नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर पोस्ट, ये ग्लोबल वेरिएबल है और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं नेम, और ये जो नेम है ये है नेम्ड एट्रीब्यूट ऑफ नेम एट्रीब्यूट ऑफ दिस नेम फील्ड, ये रहा हमारा नेम एट्रीब्यूट। सो हम इसको यूज़ करके हम उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। हम यहाँ कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ एम्प्टी नेम, अगर हमारे इस नेम वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू नहीं है उस केस में हमारे इस वेरिएबल में हमारे पास कोई मैसेज स्टोर होना चाहिए और दैट विल बी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से ये है हमारा नेम वैलिडेशन। अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं फॉर ईमेल फोन एंड डेजिग्नेशन, सो मैं इसे कॉपी करूंगा पेस्ट करूंगा 3 more times ईमेल फोन और ये होगी हमारी डेजिग्नेशन। यहाँ पर हम चेंजेस करने वाले हैं अपने वेरिएबल्स के नेम में, सो ईमेल और जो नेम एट्रीब्यूट है फॉर ईमेल ये ईमेल है ईमेल, और यहाँ पर जो एरर मैसेज स्टोर होगा हमारे ईमेल अंडरस्कोर एरर वेरिएबल में, और यहाँ पर हम एरर मैसेज शो करने वाले हैं ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर फोन एरर मैसेज हम स्टोर करने वाले हैं फोन अंडरस्कोर एरर फोन फील्ड इज रिक्वायर्ड, और जो लास्ट है हमारा वो है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन अगर मैं नेम एट्रीब्यूट एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूं सो ये है हमारा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन और हमारे पास अगर डेजिग्नेशन में कोई वैल्यू नहीं हुई उस केस में हमारे पास एक मैसेज होगा एंड दैट विल बी डेजिग्नेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो एक बार जैसे ही हमने वैलिडेशंस इम्प्लीमेंट कर लिया उसके बाद हम एक इफ ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं और वो ये चेक करेगा कि हमारे पास इन एरर वेरिएबल्स में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे इन सभी चारों एरर वेरिएबल्स में और कोई वैल्यू नहीं है इट मीन्स वो एम्प्टी ही हैं, और उस केस में हमारे सभी वेरिएबल्स में वैल्यूज होंगे। सो हम क्या करेंगे, नॉट एम्प्टी हम यूज़ करने वाले हैं अपने इन सभी वेरिएबल्स में नेम के अंदर, इट मीन्स हमारे पास कोई वैल्यू है एम्प्टी ईमेल नॉट एम्प्टी फोन एंड फाइनली वी हैव कॉल्ड डेजिग्नेशन। सो हम यूज़ करने वाले हैं नॉट एम्प्टी एंड डेजिग्नेशन। सो अगर हमारे पास इन वेरिएबल्स में वैल्यू है उस केस में हम अपने अपडेट क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। मैं इसे यहाँ से कट करूँगा और इस इफ ब्लॉक के अंदर हम उसे पेस्ट करेंगे।
इन केस हमारे पास कोई अगर एरर वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, हम क्रिएट करने वाले हैं एल्स ब्लॉक, और उस एल्स ब्लॉक में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हमारे पास इन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ होंगे और उन वैल्यूज़ को हम प्रिंट करने वाले हैं। सो या हम इस एल्स ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं जिसका वैसे कोई यूज़ नहीं है, अदरवाइज एज सिंपल एज दैट हम अपने इनपुट वैल्यूज़ के नीचे हम यूज़ करने वाले हैं br टैग, और उसके नीचे यूज़ करने वाले हैं स्पैन टैग, और टाइम सेव करने के लिए अगर मैं जाऊँ एट एम्प्लॉय टैम्पलेट पे, तो यहाँ पर हमने स्पैन डिफाइन किया था, मैं इसे कॉपी करूँगा और हम इसे यहाँ पेस्ट करने वाले हैं। सो ये डिस्प्ले करेगा हमारे नेम एरर को। उसी तरीके से अगर मैं एरर वेरिएबल चेंज कर दूँ, इट इज़ फॉर ईमेल एरर। नेक्स्ट है हमारे पास फ़ोन एरर, और फाइनली हमारे पास जो होगा वो होगी हमारी डेजिग्नेशन एरर। सो इट विल बी डेजिग्नेशन, और हम कुछ CSS अप्लाई करने वाले हैं ताकि जो हमारे पास एरर मैसेज हो वो रेड कलर में डिस्प्ले हो। उसके लिए भी हमने CSS को इम्प्लीमेंट किया था अपने इस एट एम्प्लॉय में। मैं इस स्टाइल टैग को कॉपी करूँगा, एडिट एम्प्लॉय पेज, और हम इसे यहाँ पेस्ट करने वाले हैं। सो ये है हमारा एट एम्प्लॉय, बट इस केस में जो हमारा फॉर्म की आईडी है वो फॉर्म की आईडी हमने मेंशन नहीं किया हुआ है, हम इसे ऐड करेंगे एंड इट विल बी एडिट हाइफन एम्प्लॉय। मैं इस आईडी को कॉपी करूँगा और हम रिप्लेस करने वाले हैं अपने इस एड हाइफन एम्प्लॉय। सो सक्सेसफुल तरीके से गाइज हमने सभी कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया है। सबसे पहले अगर हमने फॉर्म सबमिट नहीं किया है, पेज को रिलोड किया है, उस केस में हमारा ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होते ही हमारे पास ये आईडी आएगी बाय द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर जो कि हमने यहाँ पास किया है। इस क्वेरी स्ट्रिंग के वैल्यू के थ्रू इस एम्प्लॉय आईडी में हमारे पास एक एम्प्लॉय आईडी है, और उस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस में ये एल्स ब्लॉक का जो ये इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और स्पेसिफिक एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस से पिक करेगा। आफ्टर पिक ये क्या करेगा, सभी इन्फॉर्मेशन को फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। आफ्टर डिस्प्ले अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना हो, अपडेट करने के बाद जैसे हमने फॉर्म को सबमिट किया, हमने इसी रिक्वेस्ट को PHP सेल्फ के थ्रू जो हमने यहाँ यूज़ किया है, PHP सेल्फ के थ्रू हमने फॉर्म सबमिशन रिक्वेस्ट को इसी पेज पे कैप्चर किया बाय द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो उस केस में हमारा ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हमने वैलिडेशंस इम्प्लीमेंट किया है, और अगर हमारे पास कोई भी एरर मैसेज में वैल्यू नहीं है, इट मीन्स हमारे सारे वेरिएबल्स में वैल्यू है, उस केस में हमने अपने अपडेट एम्प्लॉय के कमांड को एग्जीक्यूट किया है। जैसे एक बार हमने अपने मीन्स एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया, आफ्टर सक्सेस हमने रीडायरेक्ट किया है अपने URL को अपने उसी टैम्पलेट पे विद द हेल्प ऑफ दिस एम्प्लॉय आईडी। सो ये है ओवरऑल हमारे एडिट एम्प्लॉय टैम्पलेट का कॉन्सेप्ट। सो चलिए इसे हम इम्प्लीमेंट करके एक बार चेक भी कर लें, रिलोड करेंगे। अगर हमने कोई वैल्यू यहाँ पास नहीं किया है, लेट्स रिमूव, क्लिक ऑन सबमिट, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक लास्ट चीज़ जो रह गई है वो ये कि वैलिडेशन के बाद हम अगर URL पे गौर करें तो हमारे पास वो क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी को स्टोर किया था वो नहीं है। सो अगर मैं इस पेज को रिलोड करूँगा, ये error.php ओपन करेगी। सो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, अगर हमने सबमिट किया, तो इसके जो एक्शन में हमने PHP सेल्फ यूज़ किया था, वहाँ पर जो हमारे पास जो URL होना चाहिए वो होना चाहिए edit-employee.php। साथ ही साथ हमें इस क्वेरी स्ट्रिंग को भी कनकैटनेट करना होगा। मैं इस क्वेरी स्ट्रिंग को कॉपी करूँगा, हम जाएंगे अपने PHP सेल्फ में, PHP सेल्फ, और हम यहाँ पर कनकैटनेट करने वाले हैं अपने एम्प्लॉय आईडी वैल्यू के साथ, एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल जो कि हमने गेट किया है एट द टॉप ऑफ दिस पेज, हम इसे यूज़ करने वाले हैं। सो एम्प्लॉय आईडी, PHP टैग, इको, और ये रही हमारे एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल। सो अगर मैं इस पेज को एक बार रिलोड करूँ, लेट्स रिमूव, हम इन दो वैल्यूज़ को रिमूव करने वाले हैं, सबमिट बटन। सो हमारे पास सक्सेसफुल तरीके से एरर मैसेज भी डिस्प्ले हुई, साथ ही साथ हमारे इस URL में क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल भी अवेलेबल है।
सो चलिए हम एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। सो यहां पर हमने नेम और ईमेल वैल्यू को अपडेट किया है। अगर मैं क्लिक करूँ सबमिट बटन, सबमिट, हमारे इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। अगर मैं जाऊँ टेबल पे, रिफ्रेश बटन, सो हमने जो अपडेट किया है वो है एम्प्लॉय आईडी 1 और हम देख सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से हमने अपने एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर दिया है। एक बार और हम टेस्ट करेंगे। सो गो बैक, लिस्ट एम्प्लॉयज, फोर्थ नंबर आईडी, मैं इसे एडिट करना चाहूँगा और हम अपडेट करना चाहते हैं इसकी डेजिग्नेशन, सो वेब डेवलपर, और हम अपडेट करना चाहते हैं इसके मोबाइल नंबर को, साथ ही साथ ईमेल आईडी को। क्लिक ऑन सबमिट, अपडेट हो चुकी है हमारी वैल्यू। अगर मैं जाऊं लिस्ट पे, सो यहां पर देख सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो चुकी है। सो ये है गाइस ओवरऑल हमारे अपडेट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी, जहां पर हमने सारे यूज केसेस को कवर किया जो कि हमारे एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को पिक करे, जब हम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को सबमिट किया उसे वैलिडेट करे, साथ ही साथ अगर सारे वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं उस केस में वैल्यूज को अपडेट भी करे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।